नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। ललितपुर, बुधवार को मंदिरों से राम बारात के विशाल जुलूस निकाले गए। इसी क्रम में राम बारात कंचन घाट से चौबियाना तथा महावीरपुरा से पानी की टंकी और वहां से रावरपुरा होते हुए रामरतन मंदिर पहुंची। बारात में सुंदर झांकियां भी सम्मिलित रहीं। बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में नरेंद्र पहलाद, घनश्याम दास साहू, आदर्श नायक, सिंधवाहा भैया, पटाखा प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले, सप्पू मधुर बेला, फ्लावर गैलरी विजय जैन, कल्लू परोल, ब्रजेश पंथ आदि भी शामिल रहे। जी, हमारे साथ हैं सैनी साहब। पूछते हैं कि राम भक्त कार्यक्रम कैसा रहा, क्यों मनाया जाता है, बताएं। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, ये राम बारात है, ये हमारी हिंदू संस्कृति जो है, सनातनी की परंपरा जो है, ये उसके महत्वपूर्ण, और ये समझिए कि हमारे हिंदुओं के लिए तो ये सबसे बड़े हमारे साधक हैं, जिनकी बारात कल यहाँ ललितपुर में जो निकाली गई है वो बड़े ही हर्षोल्लास के और बहुत उससे निकाली गई है, क्योंकि ये सारी परंपराएं जो हैं ये हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली परंपराएं हैं, हम लोगों को जोड़ने वाली परंपराएं हैं। तो राम बारात का बड़ा भव्य आयोजन हमारे यहाँ हुआ है और सभी ने हर्षोल्लास के साथ इसमें प्रतिभाग किया है, और ऐसा हमेशा होता रहे, क्योंकि ये हमारे आराध्य देव हैं और हम सभी इसमें बड़े खुश रहते हैं। खबर समय जगत के लिए ललितपुर से सुनील सैनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।